हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब आदमी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। सबसे पहले बड़ों को पैर छू के प्रणाम, छोटे को बहुत सारा प्यार। आज की वीडियो कुछ खास होने वाला है। चलिए अभी हम जो साड़ी खरीदी हूँ उसको ब्लाउज सिलवा लेती हूँ, देखती हूँ आज सिला जाएगा। दो दिन यहाँ पर हूँ मैं, उसके बाद फिर ससुराल में जाऊँगी। तो चलती पहले उसमें एक अस्तर और लॉस जो लगता है वो सिलवाने के लिए पहले साड़ी निकाल लेती हूँ। गांव में चलती हूँ और उसको भी मार्केट में भी जाना पड़ेगा। तो चलिए सब लेके पहले पेटी में साड़ी निकाल लेती हूँ। दोस्तों, जैसे कि नागांती चौहान, रुकिए मैं बोल रहा हूँ, नागांती चौहान ब्लॉग में आप लोग को बताए थे कि कुछ सरप्राइज खरीद के लाए हैं, आप उसको भी जाके देखिएगा। उसमें बहुत सारा कुछ दिखाए हैं और इसमें अभी इन्वेक्शन करने वाले हैं और बहुत खुशी प्राप्त होगी आपको। तो ना अपना चैनल प्रमोट कर रहे हैं, मेरे चैनल प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जाके देखने पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हम लोग का बात किए हैं और खास करके एक चीज़ तो आप लोग को फायदा मंद मिलेगा, वो तो जाएंगे तो दिखेगा। क्योंकि आप लोग का फायदा, हमेशा हम लोग वीडियो बनाते हैं कि हमारा फायदा हो, व्यूज के रूप में सपोर्ट हो, लेकिन उस वीडियो में आप लोग का फायदा होने वाला है। तो जरूर उस चैनल पर जाके एक बार देखिए और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अब हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये भी मैं ऐसे ही खाली देखी हूँ, पूरा खोल कर नहीं देखी। चलिए अभी आज आप लोगों के सामने हम खोल देते हैं। कितना सुंदर है जी, इसको देख सकते हैं। नागांती जी, सब साड़ी की रेट आपको बताना है, नहीं तो हमारा YouTube फैमिली कंफ्यूज होती है, क्योंकि उनको पसंद आता है और पूछती हैं और कितने। तो एक बार लास्ट में जरूर बता दीजिएगा। ये देखिए, ये साड़ी है जो ऐसे कढ़ाई है पूरा साड़ी में, और ये जो है पल्लू पल्लू बोलते हैं कि आचल, मतलब आचल हम लोग बोलते आचल हैं। पल्लू बोल सकते हैं, पल्लू तो घूंघट को बोलते हैं क्या? हाँ सर, घूंघट मतलब ये आचल है। ये सब कढ़ाई है, देखिए इसी कलर का कपड़ा है, दो कलर का। मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। तो देखिए ये नेक पर पहनने के लिए शादी में। ये कहाँ से आया है, किसने दिया है? तो मेरी छोटी सिस्टर ने दी है शादी में पहनने के लिए। ये आप शादी में आप ऐसे मत पहनिए, पहले वाला साड़ी मत पहनिए, ये मेरा साड़ी जरूर पहनिए। तो मैं खरीदी नहीं हूँ, मेरे छोटे वाले सिस्टर ने दी है। हाँ तो आप बताइए कमेंट में, घूंघट किसे कहते हैं, पल्लू किसे कहते हैं और आचर किसे कहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में आप लोग। ये साड़ी है दादी के लिए, ये के लिए, ये भी सिस्टर ने दी है, बहुत सुंदर है। चलती है इसको भी ब्लाउज सिलवाने के लिए। इसमें ब्लाउज है, दोनों में ब्लाउज है ना? हाँ, साड़ी में सब में ब्लाउज है। धन्यवाद सिस्टर जो नागांती जी को ऐसे देख सकते हैं। ये सब अच्छा, इधर से ये आचा, ये क्या बोलते हैं ब्लाउज का। ये जी आप क्यों फाड़ रही हैं इसको सिलवाने के लिए? तो वहाँ निशान था क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही लगा दी। इसमें नहीं देखे, इसमें होगा इसमें भी। लग रहा है साड़ी में इसका ब्लाउज है। साड़ी में दोस्तों तो वहाँ कटवाना पड़ेगा। हाँ, ये इसमें तो निशान दिया था ना, इसमें निशान था। ये भी साड़ी में जो होली के दिए विजय पवार ने गिफ्ट में दिए थे, खरीद लो अपने लिए। तो ये भी जा रही सिलवाने, नहीं पहनी अभी, पूरा है साड़ी ये। हाँ, इसको पहन के ना क्या बोलते हैं, सीख होना है हम लोग को। हाँ, इसीलिए ये पहने विजय पवार, कुर्ता खरीदना है पीला कलर का सीख होने के लिए। धोती तो है तो पार्ट नहीं खरीदेंगे, धोती कोई बात नहीं, धोती मेरे पेटी में एक नया कल देखी थी, उसको रंग देंगे तो हो जाएगा। तो इसको लेकर चल रही मैं सिलवाने के लिए। ये है इसका पीस, रेड कलर का साड़ी थी, ब्लाउज साया हमारे पास है तो इसमें काम चल जाएगा। चलिए पहले इसको रख देती हूँ, आइए सब लेके जाती हूँ सिलवाने के लिए। इसमें अस्तर भी खरीदना पड़ेगा, इसको साड़ी भी लेके जाना पड़ेगा, उसी कलर का अस्तर अस्तर दिखा लीजिएगा। इसका तो काटना पड़ेगा ना? हाँ, तो लेते चाहिए। और तो निकल गया ये वाला पीस, वो अगर हम नहीं काटना चाहेंगे तो ये इस कलर का
सिलाई अलग से भी सिलवा सकती हूँ। है कपड़ा खरीदना पड़ेगा? ये कपड़ा दूसरा है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है कपड़ा, सूती जैसा लगता है ना। हाँ मिक्स कॉटन है। आइए कपड़ा दूसरा है, चलिए पहले इसको चपेट के रख देती हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों आपका नगांती जी का गिफ्ट? देवर के शादी में पहनने के लिए ये सब सामान रेडी कर रही हूँ। उसके बाद भी और कुछ बच्चे को नहीं लिए कुछ भी, अभी तो उनको अभी लेना है, अभी देख रहे हैं कहाँ से। और ये लिए कहाँ है? आपका सिस्टर छोटी हेल्प कर रही है तो अभी तो बच्चों के लिए खरीदना पड़ेगा। होली के बच्चों के लिए थी तो अपने लिए ले रखी वो ये साड़ी। कभी कभी ना मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता, ये सब चीज़ मेरे को खरीदना था लेकिन वक्त हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि कुछ हिसाब नहीं उसका। लेकिन फिर भी ये भगवान जी का आशीर्वाद ही है, जिसके हेल्प से जिसको जब कोई चीज़ प्राप्त होना हो तो उस टाइम हो ही जाता है। जैसे अभी ये साड़ी नगांती जी को प्राप्त हुआ छोटी सिस्टर की वजह से ना जी। कितना भी मैं कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी अभी वक्त हालात ऐसे चल रहा है। लेकिन कोशिश करने वाले को हार नहीं होता है, एक दिन वो टाइम जरूर आएगा जो आप लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगे ना नगांती जी। ऐसे हमें कोई नहीं एक होता है कि देखिए जी डीजे के पापा कैमरा कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि छोटी सिस्टर हेल्प की, बच्चों का कपड़ा नहीं खरीदा। तो कितने आदमी हमारे यूट्यूब फैमिली को नहीं कन्फ्यूजन हो जाता कि देखिए जी बच्चों को पहले खरीदना था, लेकिन इसीलिए बताया कि सिस्टर ने हेल्प करी है, बच्चों को जरूर खरीदाएंगे, आपको दिखेगा। वो सब कैसे भी होगा और नहीं होगा वो भी दिखेगा आपको ना जी। चलिए चपेट के सब रख देती हूं। नगांती जी खुश है ना? बस इतना समझिए कि ये सब भगवान जी का दिया हुआ चीज है कि नहीं, सिस्टर के रूप में समझ सकती है। हाँ हमारा तो यही कहना है, क्योंकि कोई भी चीज उनके मर्जी से बगैर होता नहीं है। मैंने कोशिश करके देख लिया है, उन्हीं का आशीर्वाद उन्हीं का कृपा होता है तभी कोई भी कुछ करता है। चाहे मैं मेहनत करके अपने नगांती जी के लिए गहना गुड़िया झोला भर के खरीदूं या घर बनवा के रखूं, चाहे मिट्टी के घर में रखूं, ये सब उन्हीं की कृपा है। कितना भी हम कोशिश करेंगे परेशान होंगे, लेकिन जब तक वक्त और नसीब में लिखा ना होगा तब तक वो प्राप्त होना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए ना जी। ये हम बड़े बुजुर्गों से और अपने यूट्यूब फैमिली से सीखे हैं, हम करते रहेंगे मेहनत, और ये मेहनत ही करें कि जो हमारा मुंह में से आवाज़ निकल रहा है ना जी। नहीं तो एक टाइम था कि हम तो कैमरा के सामने आते थे तो पता नहीं चलता क्या बोले कैसे। धीरे धीरे सीखे हैं और आगे जो भी काम में सीखा वो सब करूँगा। और नगांती जी अपना वीडियो बनाएगी और जिसकी मदद से हम लोग का छोटा सा प्यारा सा सपनों का और पक्का का घर बनेगा, जिसको देख के हमारा यूट्यूब फैमिली बहुत पसंद होगी। बक्स हमें वक्त की ज़रूरत है और आप लोग की आशीर्वाद की ना जी। हाँ तो इसे हमारा सपोर्ट करिए, कमेंट द्वारा हौसला बढ़ाइए और व्यूज द्वारा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर द्वारा हमें हेल्प करिए लाइफ। हाँ हम लोग कोशिश मतलब बच्चे बहुत परेशान है, केक काटने के लिए बहुत जल्दी कोशिश करूँगी। हाँ वो भी दिखेगा, छोटा सा भी केक लेके आऊंगी ठीक है, हमारे चैनल मोनेटाइजर ऑन हो जाएगा। हाँ जो फैमिली लाइफ ब्लॉग है ये फैमिली लाइफ ब्लॉग पे डालिएगा कि रियल लाइफ पे? अब देखती हूँ कोई को एक डाल दे, अगर शाम तक हो जाता मोनेटाइजर वन तो फैमिली लाइफ पे डालेंगे और जरूर उससे कमिटी कर देंगे जो आप लोग हमारा रियल लाइफ ब्लॉग के फैमिली के पास भी पहुँच जाए नोटिफिकेशन का। कमेंट करते हैं एक वीडियो तीनों चैनल पर क्यों डालते हैं? नहीं नहीं तो आप ही लोग बोले थे ना कि ऐसे करते हैं ना। हाँ तो इसी तीनों चैनल पर दिखाई देते हैं। हाँ कि वो चैनल पे दो स्ट्राइक है तो हम ये नया चैनल खोले हैं कि इसको कुछ आगे बढ़ जाए, अगर वो कभी भी कुछ होता है तो हमारा यूट्यूब फैमिली हमसे अलग ना हो, इस पे हमारा साथ है। तो ये है दोस्तों सच्चाई। चलिए अभी हमारा ये सब दिख गया, कैसा बात लगा, कैसा नगांती जी का फीलिंग लगा, जो भी मैंने शब्द बोला एक दो शब्द अच्छा ना लगा हो तो हार जो के क्षमा मांगता हूँ। चलिए अभी ये सब रख के चलते हैं मार्केट, ठीक है नगांती जी। ना बहुत ऐसे धूप निकला है, मैं अभी घर से निकल चुकी हूँ, देख सकते हैं वहाँ पर सरसों पर साड़ी हूँ, मगर दूसरा तिरपाल से ढक दी हूँ जो बकरी वकरी नहीं खाएगी। जब तक ले हम सामान देखा जाएंगे, बीजे के घर पर है नहा रहे हैं, तब तक ले हम अस्ता जा रहे हैं खरीद के लाने के लिए, साड़ी भी ले ली। तो अभी देख सकते हैं फाइनली आ गई है मार्केट से, ढेर सारा सामान खरीद लाएंगे।
ये का अस्तर है आदो अपने लिए ली हूँ आदो ये के लिए, तो ये का भी नापी नहीं मिल रहा है तो इसी वजह से हम लोग सोचे कैसे नापी सिलवाए। मैं बोली जी ये का मैं देखिए तो ऐसे सिल दे, तो बोले नहीं बिना नापी के हम नहीं सी पाते, अपना भी नापी नहीं दी हूँ, खाली साड़ी दे दी उसको काट के ब्लाउज के पीछे निकाल देना और साड़ी को कुर्सी देना। चलिए चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा हम लोग का ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही है, यूट्यूब 1632 आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है तो उस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए।